नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई। आप जब स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? उसका स्क्रीन। जी हाँ, स्क्रीन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्मार्टफोन को। और ये स्मार्टफोन का ही नहीं, आप कोई भी स्क्रीन ले लो, आपके टीवी का स्क्रीन ले लो या किसी और चीज़ का स्क्रीन ले लो, स्क्रीन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स यू द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द डिवाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी स्क्रीन कौन सी और रेजोल्यूशन क्या होता है। आप सबने सुना है SD, HD, Full HD, QHD, Quad HD, Ultra HD, 4K, 2K, बहुत सारे abbreviations हैं। इन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा। ये वीडियो के एंड तक आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कौन सा स्क्रीन अच्छा है, कौन सा बुरा है। देखते रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके पास पहले CRT टीवी होता था, अब तो सब जगह पे फ्लैट स्क्रीन एंड LED LCD टीवीज आ गए हैं, लेकिन उसके पहले CRT टीवी हुआ करता था। वो जो CRT टीवी था वो 640x480 यानी SD रेजोल्यूशन या उससे कम रेजोल्यूशन पे होता था। उस वक्त ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आजकल इतने सारे ऑप्शंस ज़्यादा आ गए हैं कि हमें पता नहीं चलता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो चलिए शुरू करते हैं SD स्क्रीन के साथ। SD यानी क्या? 640x480 पिक्सेल्स का ये जो रेजोल्यूशन होता है, बेसिकली जो लंबाई होती है वो 640 पिक्सेल्स की होती है। एक पिक्सेल सोचिए, ए 1 pixel by 1 pixel, आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझिए इट इज़ 1 mm by 1 mm, ठीक है। तो ऐसे 640 और ऐसे 480, ऐसे ये 640x480 पिक्सेल यानी 640x480 पिक्सेल्स वो पूरे स्क्रीन के अंदर क्रैम्ड होते हैं, उसको SD रेजोल्यूशन बोलते हैं। SD से बड़ा होता है HD। HD रेजोल्यूशन यानी 1280x720p या पिक्सेल्स, 1280p by 720p, HD को 720p भी बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जो पिक्सेल्स होते हैं स्क्रीन का, उससे कुछ डिफरेंस, या छोटा स्क्रीन हो या बड़ा स्क्रीन हो, उससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप 1280 पिक्सेल्स बाय 720 पिक्सेल्स ये एक 3 inch के स्क्रीन पे दिखाएंगे, या फिर आप वो एक बड़ा सा आपका 21 inch का स्क्रीन होगा उसके ऊपर दिखाएंगे, तो किस पे अच्छा दिखेगा? छोटे स्क्रीन पे अच्छा दिखेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने जो टीवीज होते हैं वो भी HD और फुल HD होते हैं, अपने जो छोटे स्क्रीन्स मोबाइल के जो स्क्रीन्स होते हैं वो भी HD और फुल HD होते हैं, या 2K भी होते हैं और 4K भी कोई कोई है। तो छोटे स्क्रीन पे वो रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसीलिए जब आप मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन देखते हो या फिर आपका टीवी का स्क्रीन, पास से देखो और आपको पता चलेगा आप पिक्सेल देख सकते हो टीवी के पिक्सेल्स, लेकिन जो स्मार्टफोन के पिक्सेल्स है वो आपको दिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ वो अच्छा ब्राइटनेस अच्छा दिखेगा। तो HD हो गया, HD हो गया, अब बात करते हैं फुल HD के बारे में। फुल HD यानी 1920x1080 पिक्सेल्स। अभी ये जो पिक्सेल्स होते हैं, अगेन सोचिए 5 inch का आपका फ़ोन है, उसके अंदर आपका 1920 हाइट एंड 1080 विड्थ के पिक्सेल्स अंदर होंगे, यानी 2 million पिक्सेल्स टोटल, मैं रफली बोल रहा हूँ 2 million पिक्सेल्स वो 5 inch के स्क्रीन में होंगे। अभी इसमें एक और एक फंडा है। फंडा क्या है? हम लोग बोलते हैं 325 DPPI पिक्सेल पर इंच। यानी क्या होता है? जितने ज़्यादा पिक्सेल्स एक इंच के अंदर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा स्क्रीन होगा। आजकल जो सब फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो 425, 430, कोई कोई जो फ्लैगशिप्स हैं वो 500 पिक्सेल्स पर इंच, 500 PPI पे भी आए हुए हैं। इसका मतलब क्या? 5 inch का स्क्रीन है, 1080x1920x1080 के आपका रेजोल्यूशन है फुल HD। अभी वो 5 inch 2 million डिवाइडेड बाय 5 अगर करेंगे तो वो 400 होगा, नियरली 400। इसका मतलब 1 inch में कितने पिक्सेल्स फिट होते हैं, वो जो नंबर होता है वो आपका PPI पिक्सेल पर इंच होता है। सो दैट इज, रिमेंबर दैट। तो जितना ज़्यादा आपका PPI होगा उतना ज़्यादा अच्छा। रेजोल्यूशन कुछ भी हो, स्क्रीन साइज कुछ भी हो, आप पूछिए इसका PPI क्या है। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है, वो जो एक PPI होता है 325 या 425 या 500, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा। तो चलिए क्विकली रिपीट करते हैं। SD यानी 300 पिक्सेल्स होते हैं 640x480, HD यानी 1280x720 जिनके होते हैं 900 पिक्सेल्स, जो फुल HD होता है उसमें 2 मिलियन पिक्सेल्स होते हैं 1920x1080, उसके आगे है 2K
जिसको बोलते हैं QHD स्क्रीन या क्वाड HD भी बोलते हैं। तो कोई कोई लोग QHD बोलते हैं, QHD स्क्रीन, क्वाड HD, लेकिन वो 2K होता है। 2K का रेजोल्यूशन क्या है? 2560 by 1440। इसका मतलब जो QHD या 2K स्क्रीन जो होती है उसके अंदर नियरली 3.7 मिलियन पिक्सल्स होते हैं। तो आपका अगर 5 इंच का स्क्रीन हो, वो फुल HD हो या 2K हो, 2K में आपको ज़्यादा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, पंची कलर्स दिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिक्सल्स क्रैम्ड है उसके अंदर। और सबसे ऊपर वाला जो सबसे अच्छा स्क्रीन होता है वो 4K। 4K स्क्रीन आजकल टीवी में तो बहुत सारे टीवीज आ गए हैं, बहुत कम स्मार्टफोन आ गए। शायद एक सोनी का सोनियम प्रीमियम ZX फ़ोन है, वो एक ही सिर्फ 4K स्क्रीन के साथ आया हुआ है अब तक। और जो 4K का जो रेजोल्यूशन होता है वो है 4096 by 2160। इसका मतलब उसमें 8.8 मिलियन पिक्सल्स क्रैम्ड होते हैं। तो मतलब QHD का जो स्क्रीन है उससे दो गुना ज़्यादा से भी ज़्यादा 4K स्क्रीन में होता है। तो ये याद रखिए, 4K स्क्रीन जो है ये बहुत कम स्मार्टफोन्स में आई है। और एक बात याद रखिए, फुल HD के बाद हम लोगों की आंखों को दिखता नहीं है ज़्यादा डिफरेंस, क्योंकि आप एक लेवल तक ही देख सकते हैं, उसके बाद में आप ह्यूमन आइज देख नहीं पाएंगे। तो 4K स्क्रीन हो या 2K स्क्रीन हो या फुल HD स्क्रीन हो, इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो फॉर स्मार्टफोन्स विच आर स्मॉलर स्क्रीन्स, आई थिंक फुल HD इज़ गुड। 2K येस इट इज़ बेटर, बट 4K की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर 4K या 2K स्क्रीन्स होता है आपका प्रोसेसिंग और आपका पावर बहुत ज़्यादा जाता है, तो बैटरी कम चलेगी आपकी, आपका जो CPU होगा वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अगर सिर्फ डिस्प्ले के पास देखते हैं तो ये जो हैं SD, HD, फुल HD, 2K, QHD एंड 4K, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको पता चला डिफरेंसेस। अगर आपको कोई सवाल है इसके बाद में, और कोई सवाल है, ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आपको अगले वीडियो में आंसर करूँगा। ऐसे ही देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियोज़ को। हम आप तक ऐसे ही और बहुत इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो लाते रहेंगे, आप देखते रहिए।